नमस्कार, आवाज न्यूज 24 में आपका स्वागत है। पुलिस ने नाकाम की बड़ी साजिश, हथियार समेत 4 बदमाशों को दबोचा। जी हां, जयपुर जिले की करधनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 बदमाशों को अवैध हथियार और एक कार के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार अपराधी पेट्रोल पंप को लूटने की फिराक में थे, लेकिन वारदात से पहले ही पुलिस ने बदमाशों और उनके मुख्य संलग्ना पवन सिंह को पकड़ लिया। गिरफ्तार अपराधियों की आनंदपाल गैंग से मिलीभगत बताई जा रही है। इस मामले में जयपुर पश्चिम DCP प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद एडिशनल बजरंग सिंह शेखावत, SAP हरिशंकर शर्मा, करधनी थाना अधिकारी रामकृष्ण बिश्नोई के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके चलते लूट की साजिश करते हुए पवन सिंह उम्र 26 साल निवासी जरासर जिला चूरू, अरविंद सिंह उम्र 21 साल निवासी बाजावास थाना दातारामगढ़ जिला सीकर, भानु प्रताप सिंह उम्र 20 साल निवासी गांव पापड़ा थाना उदयपुर वाटी जिला झुंझुनू और करणी सिंह उम्र 22 साल निवासी रुवासना जिला नागौर निवासी को गिरफ्तार किया। वहीं अपराधियों ने पूछताछ में बताया कि वे कालवाड़ रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप को लूटने की फिराक में थे, जिसके लिए वे पंप पर ज्यादा कैश इकट्ठा होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि अपराधियों के अवैध हथियार भी बरामद किए हैं, जिनमें एक पिस्टल, 2 देसी कट्टे और 11 जिंदा कारतूस मिले हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इन अपराधियों के खिलाफ कई थानों में पहले से ही मारपीट, डकैती के मुकदमे दर्ज है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।